जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर मैं स्कूल कार्ड कैसे बनाने जा रहा हूँ। स्कूल कार्ड कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे। इंसर्ट में यहाँ पे शेप पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। शेप फिर में यहाँ पे ये वाला बॉक्स यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे। फॉर्मेट पे यहाँ पे हम साइज देते हैं, हाइट और विड्थ यहाँ पे हम 2, ठीक है, यहाँ पे हम 3 करते हैं, ठीक है, 2.3, ठीक है। अब यहाँ पे हम शेप फिल में जाते हैं, यहाँ पे हम कलर्स दे सकते हैं, या यहाँ पे हम इन सब पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक स्कूल, हमने ये लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट STUD एंड स्टूडेंट कार्ड, यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम लिखा हमने। यहाँ पे सेमी कॉलम टाइप से यहाँ पे हमने लाइन ड्रा की, ठीक है। शिफ्ट माइनस इंटर, यहाँ पे हम एफ नेम फादर नेम, ठीक है, स्लैश यहाँ पे नेम सेमी कॉलम। हम लाइन यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट शेप पे ये वाले लाइन हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। यहाँ से हम इसको, ठीक है, यहाँ पे हम इंटर, अब इसके अंदर हम लाइन स्पेसिंग देते हैं। यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम, ठीक है, अब इस लाइन को यहाँ से हम यहाँ पे इंटर, ठीक है, या बैक स्पेस, ठीक है, ये लाइन यहाँ से हम काट सकते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट माइनस, ठीक है, कीबोर्ड से हम शिफ्ट माइनस प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेंटर पे कर लेंगे। कीबोर्ड से हम कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से स्टाइल, ये स्टाइल हमने दिया, ठीक है, या स्टूडेंट कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेंटर की बोल्ड, यहाँ पे हम स्टाइल देते हैं, ठीक है, जो स्टाइल हमें अच्छा लगे हमने ये दिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हम साइज की, यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, शेप फिल में यहाँ पे हम ये वाले कलर देते हैं, ठीक है। फिर इंसर्ट, यहाँ पे शेप, शेप में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, इसको ऐसे हम ड्रा कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे हम 3 कर लेंगे इंटर, ठीक है। यहाँ से अब डेट ऑफ बर्थ सेमी कॉलम टेप, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे शिफ्ट माइनस, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे क्लास, क्लास नंबर सेमी कॉलम शिफ्ट माइनस, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे मोबाइल सेमी कॉलम शिफ्ट माइनस इंटर, यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस के लिए यहाँ पर इंटर कर लेंगे टेप, यहाँ पे फिर शिफ्ट माइनस, इन सब लाइन को ऐसे हम बराबर कर लेंगे शिफ्ट माइनस, फिर यहाँ पे शिफ्ट माइनस, फिर यहाँ पे शिफ्ट माइनस। अब यहाँ पे हम कलर शेप फिल में जाते हैं, ये वाला कलर्स यहाँ पे भी हम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगो बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारा स्कूल कार्ड रेडी हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ, यहाँ से हम कीबोर्ड से हम कंट्रोल
डी करते क्या, कंट्रोल डी, ये इसकी एक कॉपी बन गई। फिर कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखो जो कलर आप दे सकते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये कलर अच्छा लगा, ये दे सकता हूँ, जो कलर आप दे सकते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। हमारा स्टूडेंट कार्ड रेडी हो गया।